मेरे शेरो, क्या हाल चाल है भाई? जोश बाकी है या ठंडा हो चुका है? चलो एक कहानी सुनाता हूँ 1985 की। मूवी का नाम था तेरी मेहरबानियां। इस मूवी में जैकी श्रॉफ ने एक राम नाम के आदमी का कैरेक्टर निभाया, तब ब्राउनी नाम के डॉग ने मोती का कैरेक्टर निभाया। दोस्ती दोनों के बीच में बहुत गजब की थी, साथ उठना बैठना खाना पीना इमोशन शेयर करना, बट फिर बुरे आदमियों ने राम की हत्या कर दी। मोती कुछ कर नहीं पाया, बहुत इमोशन दिखाया उसने। उस इमोशन को देख करके तो भाई पिक्चर हॉल में लोगों के आंसू बह निकले। बाद में उसने बदला भी लिया, पिक्चर सुपर हिट हुई और कहीं ना कहीं लोगों को एक रिलेशन याद दिला गई, रिलेशन दोस्ती का। खासतौर से जब हम अकेले होते हैं तब इस रिलेशन की इम्पोर्टेंस को समझते हैं। जब तक दोस्त हमारे साथ होता है उसकी कीमत समझ में नहीं आती, जाने पर उसका गम सताता है। जब हम छोटे से थे तब से हमने पक्के दोस्त बनाए, लगता था कि अगर दोस्त छूट जाएगा तो हम जी नहीं पाएंगे, बट वक्त के साथ दोस्त छूटे भी और हम जिए भी, नए दोस्त बनाए, नई खुशियां लाइफ में लेके आए और जिंदगी को बढ़ाते चले गए। यार हमारी दोस्ती समझ में आती है, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, बट जब हम प्रकृति में देखते हैं तो वहां कुछ अनयूजुअल दोस्ती दिखाई देती है। एनिमल्स के बीच में समझाना भी मुश्किल है कि रिलेशन क्या है। हाँ, हम में से जितने लोगों ने डॉग्स को दोस्त बनाया है उन्होंने इस रिलेशन को फील जरूर किया है। शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम विचारों को और ना भावनाओं को, बट हमने पाया है कि सरप्राइजिंगली हमारे डॉग दोस्त ने हमारा साथ कभी छोड़ा नहीं। इंडीड जिस टाइम उसे कुछ और करना था, काम छोड़ करके वो हमारे साथ आया, अपना नहीं सोचा, वो हमेशा हमारे साथ रहा सुख दुख में। दोस्त तो खैर और भी बने, बट जो बॉन्ड हमने अपने परिवार में फील किया, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, वो भी एक अलग बॉन्ड था। वहां डिफाइन करने के लिए शब्द थे, कारण भी थे। कई बार तो तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा भाई सामने खड़ा हो गया, कई बार तुम्हारे लिए दुनिया से लड़ने के लिए तुम्हारी बहन तुम्हारे सामने आ गई। ये क्या था, क्यों था? हमने जो फील किया बचपन से पापा के साथ, वो प्रोटेक्शन, कि हमें कोई टच नहीं कर सकता, हमें कोई छू नहीं सकता। दुनिया से डर के घर के अंदर भाग के पहुंचे और एक लंबी सी सुकून की सांस ली। ये जो रिलेशन है, ये जो प्रोटेक्शन है, इसको डिफाइन करने की जरूरत भी है। खासतौर से जब हम प्रकृति में देखते हैं, प्रकृति में माँ बाप बच्चों का रिलेशन बड़ा क्लियरली दिखाई देता है। इंसानों को जहाँ सोशल एनिमल कहा जाता है और ये एक्सपेक्टेड है कि हम ऐसा बिहेवियर दिखाएंगे, तो एनिमल में भी ये बिहेवियर देख करके मन में सवाल खड़े होते हैं। ये एनिमल की फीलिंग क्या है, कैसे वो अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हैं? जिनके पास भाषा नहीं है, जिनके पास ज्ञान नहीं है, वो कैसे इस रिश्तों को निभाते हैं? बर्ड्स में, एनिमल्स में, सभी के अंदर हमने रिलेशन देखा है। और तो और कई बार हमने प्रकृति में ऐसे एग्जाम्पल भी देखे हैं जिन्होंने हमें चौंकाया है। ये एग्जाम्पल सबसे फेमस में से एक है, जहाँ एक भैंस ने अपने बच्चे को बचाने के लिए चार शेरों से टक्कर ली और ना सिर्फ अपने बच्चे को बचाया बल्कि उन चार शेरों को मार के भगा भी दिया। कहां से ताकत आई, कहां से वो डर गायब हो गया? कभी सुना इस बारे में कि कोई शेर का शिकार शेर से लड़ गया हो? अपने बच्चे के लिए, अपने लिए नहीं। जहां जानवरों को हमने भागते हुए देखा है तो वहां प्रकृति में इन रिलेशंस को निभाने के लिए कुछ एनिमल्स को डटते हुए भी देखा है। मीर कैट्स अपने पूरी कम्युनिटी की सेवा करने के लिए खाना पीना छोड़ के संतरी बन के बैठ जाते हैं, बाकी लोग खाना खाते रहते हैं बट ये ध्यान रखते हैं खतरा तो नहीं आ रहा। मधुमक्खी के पूरे छत्ते में से एक को रानी का अधिकार है तो बाकियों को वर्कर का अधिकार है। वर्कर भी रानी बन सकते थे बट नहीं, अपना रोल निभाते हैं सिस्टम के अंदर। इन बातों को समझने के लिए थोड़ा सा ज्ञान और लाना जरूरी है। तो चलो आई फ्लाई के साथ शॉर्ट एक्यूरेट फास्ट और एफिशिएंट तरीके से समझते हैं इस ज्ञान को, जिसका नाम है हैमिल्टन रूल। ये चैप्टर हैमिल्टन रूल और एल्ट्रुइज्म के बारे में बात करेगा। इसमें हम हैमिल्टन साइंटिस्ट के द्वारा दी गई थ्योरी जो कि अल्ट्रुइज्म को समझाती है, हम उसकी बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि हैमिल्टन ने क्या रूल दिया हुआ जिसकी हेल्प से हम लोग ऑर्गेनिज्म के रिलेशंस की बात कर सकते हैं और साथ में हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म अल्ट्रुइज्म शो करेगा किसके लिए। चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने 1854 के आसपास और 60s के आसपास में अपनी थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज की बात की थी, कंट्रोवर्शियल थी लेकिन हमारा सारा इवोल्यूशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट है सब इसी पर टिका हुआ है। इवोल्यूशन की थ्योरी से हमें यह तो क्लियर हुआ कि ऑर्गेनिज्म इवोल्व कैसे हुए, कैसे ट्री ऑफ लाइफ जनरेट हुआ, इतनी डाइवर्सिटी कैसे क्रिएट हुई, बट कुछ क्वेश्चन अनसुलझे ही रह गए, जैसे कि ऑर्गेनिज्म आपस में एक दूसरे के साथ सोशल सिस्टम कैसे निभाते हैं और क्यों निभाते हैं। ह्यूमंस का समझ में आता है, हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, हमारे आपस में दूसरे के लिए स्वार्थ लगे होते हैं, बट हमारा ये मानना है कि एनिमल्स में तो इतने स्वार्थ अवेलेबल नहीं है, तो फिर एनिमल्स एक दूसरे की हेल्प करना क्यों चाहते हैं? हमने देखा है कि एक ही स्पीशीज में जो कम्युनिटी होती है वो कम्युनिटी आपस में कई बार अपने बच्चों के लिए नहीं, दूसरों के बच्चों के लिए अपनी जान तक निछावर करने के लिए तैयार रहते हैं।
इन्हीं क्वेश्चनों को सॉल्व किया हैमिल्टन नाम के साइंटिस्ट ने, और इंडेड हैमिल्टन साइंटिस्ट ने जो अपनी थ्योरीज दी हैं हैमिल्टन रूल के नाम पर और एल्ट्रुइज्म की बातें करके 20th सेंचुरी की सबसे बड़ी इवोल्यूशन की थ्योरीज में मानी जाती हैं। इनकी हेल्प से जो डार्विन के एक टाइम से जो दिक्कतें चली आ रही थी, एल्ट्रुइज्म को डिफाइन नहीं कर पा रही थी डार्विन की थ्योरी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफाइन नहीं कर पा रही थी, ये दोनों ही बातें यहाँ करके सॉल्व हो गई हैं। हैमिल्टन का रूल दो बातों पर टिका हुआ है, एल्ट्रुइज्म और किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन का मतलब है कि ऑर्गेनिज्म बिहेवियर दिखाता है अपने स्पीशीज के दूसरे मेंबर्स के लिए ताकि उन्हें फायदा मिले। उस बिहेवियर को दिखाने की वजह से कई बार ऑर्गेनिज्म को नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन ये नुकसान उठाने की वजह से जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको फायदा मिलता है, यह है किन सिलेक्शन। और जो ये बिहेवियर दिखा रहा है कि अपना नुकसान करके दूसरों का फायदा करना, इसे बोलते हैं अल्ट्रुइज्म। मीरकैट्स क्लासिकल एग्जांपल है। मीरकैट जब अपने बिलों से बाहर निकल करके खाना खा रहे होते हैं दिन में, तो कुछ मीरकैट्स बजाय खाना खाने के वो संतरी बनकर ये काम करते हैं, दो पैरों पे खड़े हो जाते हैं और दूर तक नजर रखते हैं कि कोई प्रेडेटर तो नहीं आ रहा, और जैसे कोई खतरा नहीं दिखाई देता है तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं, और जो बाकी इनके साथ के मेंबर्स थे जो अपना खाना खाने में लगे हुए थे वो सावधान हो जाते हैं और उस खतरे से बच जाते हैं। नो डाउट इस बिहेवियर को दिखाने की वजह से जो संतरी बना हुआ मीरकैट है उसे तो खाना खाने का मौका मिला ही नहीं, यही है इस बिहेवियर की खास बात। जो अपने साथ के प्रजनन के लिए फायदा दिखाने के लिए एक्ट करेगा, उस एक्ट को दिखाने के चक्कर में उसे नुकसान उठाना पड़ेगा। इन बातों को समझाने के लिए दो टर्म्स हमारे पास आती हैं, जिनमें से एक है किन सिलेक्शन, और किन सिलेक्शन है असल में इवोल्यूशन के द्वारा ऑर्गेनिजम्स ने ये बात डेवलप की है, एनिमल्स ने, इंसेक्ट्स ने, कि वो अपने आप को नुकसान पहुंचा करके अपने ही स्पीशीज के दूसरे मेंबर्स को बेनिफिट देते हैं। और जो ये बिहेवियर है इस बिहेवियर को हम लोग बोलते हैं किन अल्ट्रुइज्म, जो किन सिलेक्शन की वजह से क्रिएट हुआ। इसके अलावा हम लोग तीन पैरामीटर लेके आते हैं जिनमें से एक का नाम है टोटल फिटनेस। बात यह कि जो भी ऑर्गेनिज्म अल्ट्रुइज्म दिखा रहा है उससे टोटल फायदा कितना हुआ, इस फायदे को आप दोस्तों में बांट सकते हो। एक है इंक्लूसिव फिटनेस। इंक्लूसिव का मतलब है कि जो भी उसने अपना ऑर्गेनिज्म ने अल्ट्रुइज्म दिखाया है इसकी वजह से उसकी स्पीशीज के जो बाकी मेंबर्स है उसमें से कितने बच्चों को फायदा हुआ, बच्चे जो उसके बच्चे के जैसे थे, और दूसरा उसके खुद के अपने बच्चों को कितना फायदा हुआ। अगर हम उसके खुद के बच्चों की बात कर रहे हैं तो हम उसे बोलेंगे पर्सनल फिटनेस, और अगर वो अपने प्रजनी के जो दूसरे जैसे अपने भाई बंधुओं के बच्चे हैं उनके ध्यान रख रहा है तो उसे बोलेंगे हम लोग इंक्लूसिव फिटनेस। कई बार हमें ऐसा भी देखने को मिलता है कि डिफरेंट स्पीशीज के बीच में भी अल्ट्रुइज्म बिहेवियर दिख रहा है, लेकिन ये रेयर है, काफी रेयर है, खासतौर से जब एनिमल्स को हम लोग कैप्टिविटी में रखते हैं जैसे कि बाड़ों के अंदर या फिर हम लोग किसी जू के अंदर देखते हैं, तो कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे किसी बंदर ने किसी दूसरे स्पीशीज के बच्चे को अडॉप्ट कर लिया और उसका ध्यान रखने लगा, लेकिन ये बहुत नेचुरल प्रकृति में देखने को नहीं मिलता। प्रकृति में जो हमें देखने को मिलता है वो है जैसे कि जो भी कोई ऑर्गेनिज्म अपने बच्चों के लिए जो ध्यान दिखाता है, जो उसका एग्रेसिवनेस है अपने बच्चों को बचाने के लिए, वो एक बिहेवियर है। कई बार जानवर अपने बच्चों को बचाने के लिए ऐसा काम कर बैठते हैं जो कि नियर टू इम्पॉसिबल था, जैसे कि हो सकता है कि ये कोई बफेलो अपने बच्चे को बचाने के लिए शेर से लड़ जाए, हो सकता है उसमें उसको अपनी जान गंवानी पड़ जाए, लेकिन अब यही तो खास बात है कि उसने वो बिहेवियर क्यों दिखाया, अपना बच्चे को छोड़ करके वो चली क्यों नहीं गई। और वैसे हम लोग बोलते हैं कि वो जानवर है, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, जब बस में कोई अगर सामने खड़ा हुआ हो तो क्या हम उसे अपनी सीट ऑफर करते हैं, शायद हम में से कुछ लोग करते हो, बट जब हम सीट ऑफर करना चाहते हैं तो उससे पहले हमारे मन में कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, क्यों करें, किस लिए करें, क्या फ़ायदा है हमारा। इंडीड कई बार हमारा जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो भी हमें सजेस्ट करता है कि भाई ये एक अच्छी बात है कि अगर कोई बूढ़ा आदमी कोई खड़ा हुआ है तो हम उसे अपनी सीट ऑफर कर दें। बट नो डाउट चाहे आप कुछ भी बोलो, लेकिन जब भी हम कोई एक्ट करना चाहते हैं किसी के लिए हम हमेशा कहीं ना कहीं तो कुछ कैलकुलेशन कर रहे होते हैं कि हम ये बिहेवियर दिखाएं या ना दिखाएं। वो कैलकुलेशन हम लोग चाहे समझें या ना समझें, लेकिन एटलीस्ट एनिमल्स के मामले में हैमिल्टन जी ने तो एक कैलकुलेशन दे रखी है कि हम समझ पाए कि वो एनिमल अल्ट्रुइज्म क्यों दिखाएगा। हैमिल्टन साहब ने एक रूल दिया जिसको बोला जाता है आर बी इज ग्रेटर देन सी। कोई ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए अल्ट्रुइज्म तब दिखाएगा जब उसका संबंध उसके साथ, उसको पहुंचने वाला फायदा, इन दोनों की वैल्यूज को अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यूज बड़ा नंबर हो एज कम्पेयर टू जो उसे खुद का नुकसान पहुंचेगा। ये कह लो कि ऑर्गेनिज्म अपने आप को जो नुकसान पहुंचाएगा अल्ट्रुइज्म बिहेवियर दिखा करके, ये नुकसान कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू मिलने वाले फायदे से और जेनेटिक रिलेटेडनेस से। फिर हमें यह पता होना चाहिए कि जेनेटिक रिलेटेडनेस हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। जब ह्यूमंस में हम लोग पेडिग्री देख करके जेनेटिक रिलेटेडनेस की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ बातें जो याद रहनी चाहिए, ये मैरिज की लाइन है, और अगर कभी एक ही लाइन को दोस्तों बांट दिया जाए तो जो बच्चे हैं उनको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिकल ट्विंस, या इन्हें हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस भी कहते हैं। जो बच्चे ट्विंस नहीं हैं हम उन्हें अलग अलग लाइंस पर दिखाते हैं। स्क्वायर का मतलब है बॉय और सर्कल का मतलब है गर्ल। अगर सपोज हम इस लड़की की शादी किसी लड़के से करा दें आउटसाइड द फैमिली, इनके जो बच्चे पैदा होंगे ये बच्चे आपस में कजन्स कहलाएंगे, फर्स्ट कजन्स। अगर मान लीजिए कि जो फादर है, फादर ने एक शादी हो कर रखी है किसी और महिला से और इनसे भी इनके पास एक बच्चा है, तो ये दोनों जो है ये दोनों हाफ सिबलिंग कहलाएंगे, हाफ
सिबलिंग्स। अब जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, आइडेंटिकल ट्विंस आपस में 100% जीनोम शेयर करते हैं। जो सिबलिंग्स हैं एक ही पेरेंट के बच्चे, ये 50% जीनोम शेयर करते हैं, और जो हाफ सिबलिंग्स हैं ये 25% जीनोम शेयर करते हैं। कोई भी बच्चा जिसके दोनों पेरेंट सेम होते हैं वो अपने आइदर पेरेंट से 50% जीनोम शेयर करता है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरे पास एक सपोज एक केस है जिसमें ये है मेरी मदर और ये है फादर, तो इनके पास जो भी जीनोम था 100%, आप जानते हो कि म्यूसिस में अपने डीएनए के जितने भी क्रोमोसोम्स हैं उनके पास उनके आधा आधे क्रोमोसोम्स गैमेट्स के रूप में बांटते हैं, और वो जो भी बच्चा पैदा करेंगे उस बच्चे को 50% ये पेरेंट अपना डीएनए देगा और 50% पेरेंट अपना डीएनए देगा। अगर ये शादी कर ले और फिर इसके बच्चे पैदा हों तो जो भी किसी एक पेरेंट का डीएनए था 50%, अब उस डीएनए का भी 50% ही नेक्स्ट जनरेशन हो जाएगा क्योंकि बाकी डीएनए दूसरे पेरेंट से मिल रहा है उसे। और फिर अगर ये शादी कर ले किसी और से तो जो इसका बच्चा पैदा होगा वो अपने जो शुरुआती पेरेंट थे उनके डीएनए का केवल 12.5% ही आगे पहुंचा पा रहा है, और हम लोग ऐसे ही जनरेशन में आगे जा सकते। दूसरी कहानी है कि अगर मुझे कभी जेनेटिक रिलेटेडनेस पता लगानी है तो उसके लिए फार्मूला है R=1/2n। यहाँ पे n जो है ये है नंबर ऑफ स्टेप्स। स्टेप्स कैसे समझ लेते हैं। सपोज ये एक फैमिली है जिसकी पेडिग्री मैं दिखा रहा हूँ आपको, तो ये दोनों जो है मेरे नंबर 1 एंड नंबर 2 ये मेरे सिबलिंग्स हैं। इनकी शादी हुई है अलग अलग और इनको आपस में इनके बच्चे हुए हैं। अब जो इनके बच्चे हैं बट वैसे वो कजन्स हैं आपस में। मैं बात कर रहा हूँ सपोज ये है एम और ये है एन, ये कजन्स हैं। तो अगर मुझे पता लगाना है कि इनके बीच में जेनेटिक रिलेटेडनेस कैसी है तो आप स्टेप्स काउंट करोगे कि आप कितने स्टेप में एम से एन तक पहुंच जाओगे। याद रखना जो आप स्टेप उठाओगे वो केवल ऊपर वाली लाइनें होंगी, वर्टिकल लाइन। जो ये लाइन्स आप ये काउंट नहीं करोगे, केवल वर्टिकल लाइन काउंट करोगे 1, 2, 3 एंड 4। तो 4 स्टेप में आप एम से एन तक पहुंचे। तो जेनेटिक रिलेटेडनेस निकालने के लिए फार्मूला हो गया R=1/2^4। यानी कि अब मैं 1/2 × 1/2 × 1/2 × 1/2 करूं तो मेरे पास निकल के आ जाएगा 1/16, और 1/16 का मतलब है 6.25%। तो इनके बीच में जो जेनेटिक रिलेटेडनेस है वो इतना परसेंटेज। इस फार्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग डिफरेंट तरह के जो रिलेशन हैं आपस में हम लोग रिलेशन को काउंट कर सकते हैं। बाकी हमें ये पता रहना चाहिए कि भाई जो टर्म्स हैं जैसे कजन्स हैं, सिबलिंग्स हैं, नेफ्यूज, अंकल्स, हाफ कजन्स या फिर हाफ सिबलिंग्स, इन टर्म्स का पता होना चाहिए तो हमें इस चीज़ें क्लियर हो जाती है। अब इतना सब जानने के बाद में अगर अब इस इन्फॉर्मेशन को हम लोग इम्प्लाई करना चाहें तो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि वर्कर बी इंस्टेड ऑफ देम सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग हेल्प द क्वीन रिप्रोड्यूस। मधुमक्खियों के छत्ते में हम ये देखने को मिलता है कि जो वर्कर बी हैं फीमेल्स वो भी चाहें तो वो बच्चे पैदा कर सकती हैं, लेकिन फिर भी क्वीन को मौका मिलता है बच्चे पैदा करने का। और ये बिहेवियर किस चीज़ का एग्जाम्पल है? अगेन ये किन सिलेक्शन की कैटेगरी में आता है और इसे हम लोग किन सिलेक्शन के एग्जाम्पल के रूप में ही काउंट करते हैं। सिर्फ बात यह कि वो अपनी स्पीशीज के मेंबर्स को जो बढ़िया बच्चे पैदा कर सकते हैं उस कॉन्सेप्ट को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपना खुद का एक फीचर सेक्रीफाइस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन। देखिए मधुमक्खी केस में जो क्वीन है वो हेल्थी होती है, काफ़ी हेल्थी, और जो वो अंडे पैदा करती है वो ज़्यादा हेल्थी होते हैं। अगर वर्कर भी ये काम करेंगे तो जो उनसे बच्चे पैदा होंगे वो बच्चे कमज़ोर होंगे। तो इसलिए जो सिस्टम बना है वो इस तरीके से बना है कि खुद बच्चे पैदा नहीं करेंगे, वो उस मक्खी को बच्चे पैदा करने का ऑप्शन देंगे जो हेल्थी है। मधुमक्खी चाहे फीमेल क्वीन हो या फीमेल वर्कर, दोनों डिप्लॉयड होती हैं। मधुमक्खी में हैप्लो डिप्लो सिस्टम होता है, जो मेल मक्खियां होती हैं वो हैप्लोइड होती है। क्वेश्चन नंबर 135। अब अगर इन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस के बारे में बात कर रखी है और ये पूछा हुआ इन्होंने ए और बी के बीच में और ए एंड डी के बीच में और डी एंड सी के बीच में, तो पहले ए और बी की बात कर लेते हैं। ए और बी में क्या है कि देखिए बी और ए पेरेंट हैं, इनके बीच में 50% का रिलेशन होना चाहिए। सी ए एंड डी, ए एंड डी की बात करें तो ये ग्रैंड पेरेंट है इसका, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन होना चाहिए 25% इन दोनों के बीच का रिलेशन। और फिर है डी एंड सी, डी और सी, तो स्टेप काउंट कर लो 1, 2, 3, तो ये है 1/2^3। यानी कि 2 × 4, 4 × 8, 1/8.125। तो आंसर हो गया हमारा 1। आप चाहो तो इस पूरे क्वेश्चन को R=1/2^n वाले कहानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि पहला पार्ट है ए और बी, ए और बी के बीच में कनेक्शन वाली जो लिंक है वो केवल एक है, तो ये इन दोनों के बीच में जो रिलेशन हो गया वो है 1/2^1, दैट मीन्स हाफ, मतलब 0.5। ए एंड डी, ए एंड डी के बीच में लाइन है 1 और 2, ए से डी के बीच का फासला, तो ये है 1/2^2,
यानी कि 1/4 इज इक्वल टू 0.25, और डी और सी में तो 1, 2 एंड 3 वर्टिकल लाइन के बीच में, तो ये जाएगा 1/2 की पावर 3 इज इक्वल टू 1 की पावर 8, और ये है 0.125। तो इस हिसाब से ये हमारा आंसर नंबर बना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है द डिग्री ऑफ जेनेटिक रिलेटेडनेस बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड देयर पेरेंट। ऑफस्प्रिंग और उनके पेरेंट में, मतलब पेरेंट और ऑफस्प्रिंग, इनके बीच में जो रिलेशन है वो हम देख चुके थे 50%। अब इससे हमें मैच करना है। ये हायर होता है बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर। अगर सपोज करो कि इस ऑफस्प्रिंग का एक सिस्टर या ब्रदर भी होता तो इनमें तो 50% होता, तो ये हायर तो नहीं है। लोअर देन बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर, लोअर भी नहीं है क्योंकि बराबर है उसके। द सेम एज द बिटवीन सिस्टर एंड ब्रदर, हाँ जी। डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ सिबलिंग, नहीं। क्वेश्चन नंबर 133, इंडिविजुअल ए कैन डिराइव फिटनेस बेनिफिट ऑफ 160 यूनिट्स बाय, जो बी है यहाँ पर 160, बट इनकर्स अ फिटनेस कॉस्ट ऑफ 50 यूनिट्स इन डूइंग सो। जो कॉस्ट है वो है 50 की, तो फिर आर क्या होना चाहिए? देखिए फॉर्मूला था आर बी ग्रेटर देन सी, तो अगर मुझे आर की वैल्यू निकालनी है तो मैं सी के नीचे बी को ले जाऊँ। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ग्रेटर देन के साइन को हटा करके हम इक्वल टू का साइन लगा लेते हैं, लेकिन हम हमेशा याद रखेंगे कि जो रिलेशन है वो ग्रेटर देन का है। तो जो आर है वो जाना चाहिए मेरा 50/160। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूँ तो नियरली ये 1/3 के आसपास की वैल्यू आएगी, दैट मीन्स 33% के आसपास। तो जो भी क्वेश्चन ये कह रही थी कि जो ये रिलेशन और बेनिफिट है ज़्यादा होना चाहिए कॉस्ट से, जो रिलेशन है अब इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो मेरी आर की वैल्यू रिलेशन, इट शुड बी ग्रेटर देन 33%। तो ब्रदर एंड सिस्टर में 50% है, फर्स्ट कजन्स के अंदर 25% या फिर 12.5%। देखिए इनके ये बच्चे हैं और इनके ये बच्चे हैं, तो ये ए एंड बी कजन्स हैं, तो फिर 1, 2, 3, 4 यानी कि जो इनके बीच में रिलेशन है वो है 1/2 की पावर 4 यानी कि 6.25%। देन कजन्स और अंकल्स का और भी कम है, नेफ्यूज और नाइज का और भी कम है, तो फिर तो जो रिलेशन बैठा वो है ब्रदर और सिस्टर का, वही है जो 33% से ऊपर की वैल्यू हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 26, इन एन अल्ट्रुइस्टिक एक्ट इफ अ डोनर सैक्रिफाइस सी ऑफस्प्रिंग विच हेल्प द रेसिपिएंट टू गेन बी ऑफस्प्रिंग एंड द डोनर इज रिलेटेड टू द रेसिपिएंट बाय द कोएफिशिएंट गामा, अंडर विच कंडीशन वुड किन सिलेक्शन फेवर्स दिस अल्ट्रुइस्टिक ट्रेट। तो सीधी सी बात है, ये बस जो आपकी आर बी ग्रेटर देन सी था उसकी जगह पर इन्होंने गामा बी ग्रेटर देन सी कर दिया है। चेक कर लीजिए इसमें से कौन सी वाली कंडीशन इस कंडीशन से मैच कर रही है। तो ये तो वैसे कट गए क्योंकि इसमें बात ही नहीं कर रखी है हमारी, और हम बी को गामा सी से बड़ा नहीं करते, हम लोग कहते हैं गामा इंटू बी बड़ा होना चाहिए सी से, तो ये बात गलत हो गई। गामा बी में से हम लोग सी माइनस कर दें तो 0 हो, हम यहाँ इक्वल की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं बड़ा होना चाहिए। तो सीधी सी बात है कि गामा बी में से जो भी, मतलब आप माइनस करो सी को, तो जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से बड़ी वैल्यू आनी चाहिए, तभी कुछ फायदा होगा। क्वेश्चन नंबर 129, द जेनेटिक रिलेटेडनेस आर ऑफ एन इंडिविजुअल टू हिज नेफ्यू, आर की वैल्यू है मेरे पास 0.25। द एलील दैट कॉजेज अंकल टू केयर फॉर नेफ्यूज विल स्प्रेड एंड अकॉर्डिंग टू द हैमिल्टन रूल ओनली द फिटनेस बेनिफिट इज। तो फिटनेस बेनिफिट की बात कर रहे हैं हम लोग। हमारे पास फॉर्मूला था आर बी ग्रेटर देन सी, सी है कॉस्ट, बी है बेनिफिट, तो उन्होंने बी पूछ रखा है हमें, और बी को निकालने के लिए मुझे करना चाहिए सी अपॉन आर। और सपोज अगर मैं कॉस्ट को फॉर द टाइम बीइंग 1 मान लूँ, ठीक है, और नीचे आर जो है मेरा 0.25 है, तो फिर बेनिफिट कितना होना चाहिए? बी मेरा 4 या 4 से ज़्यादा होना चाहिए। इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/4 आ जाएगा। इसे आप लिख सकते हो 1 × 4 की पावर 1, मैंने 0.25 को 4/1 कर दिया, जब ऊपर लेके आएंगे तो 4 ऊपर आ जाए, तो जो बी है मेरा वो 4 times होना चाहिए कॉस्ट ऑफ केयर के। क्वेश्चन नंबर 132, अज्यूमिंग दैट इंडिविजुअल ए वांट टू डू एन अल्ट्रुइस्टिक एक्ट टू इंडिविजुअल बी एंड दैट द बेनिफिट द कॉस्ट ऑफ डूइंग दिस एक्ट आर इन फिटनेस यूनिट्स। तो बेनिफिट है आपका बी 40 और साथ में जो आपकी कॉस्ट है सी वो है 12, तो आपको आर निकालना है। फॉर्मूला था आपका आर बी ग्रेटर देन सी, फिलहाल आप इसे कर लो R इक्वल टू सी बाई बी, और C है तुम्हारा 12 और B है तुम्हारा 40, 12/40, तो 12 × 12, 12 × 3 = 36, तो नियरली 1/3 के आसपास है, मतलब 33% के आसपास। तो देखिए R जो भी कुछ ये वैल्यू आ रही है ये इससे बड़ी वैल्यू होनी चाहिए 1/3 या फिर 33%। तो अब जो रिलेशन है नेफ्यू के, नीज के, ग्रैंड सन के, डॉटर और सन के, तो इसमें आप रिलेशन देख लो कि
33% ज़्यादा रिलेशन किस में होगा, तो आपको याद होगा कि ये रिलेशन आएगा मुझे लास्ट वाले के अंदर, क्योंकि डॉटर या सन के साथ ही 50% के आसपास रिलेशन है, बाकी सब में रिलेशन कम होता चला गया है, 25%, 12.5% एंड सो ऑन। ए है, एक ब्रदर है ए इस क्वेश्चन के अंदर और दूसरा ब्रदर है बी। दोनों के फादर तो सेम है लेकिन दोनों की मदर सेम नहीं है, तो अब इन दोनों के बीच में जेनेटिक रिलेटेडनेस हमें देखनी। तो स्टेप्स हैं ए से बी पहुंचने पे 1 एंड 2, आर इज इक्वल टू 1/2 की पावर n इज इक्वल टू 1/2 की पावर 2 इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 25%। तो जो जेनेटिक रिलेटेडनेस है 25% n के अंदर। ब्रदर ए एंड बी हैव द सेम फादर बट डिफरेंट मदर्स। बी वॉन्ट ए टू हेल्प हिम, अब बी चाहता है कि ए उसको हेल्प करे, जिसका कॉस्ट और बेनिफिट भी है ए के लिए। अगर ए को जो कॉस्ट निभानी पड़ रही है वो कॉस्ट है 30 की, तो किस कंडीशन में उसे वो सॉल्व करेगा? मतलब अब देखिए, हमारे पास आर की वैल्यू है, हमारे पास सी है और फार्मूला था आर बी ग्रेटर देन सी, तो मुझे बी निकालना है, तो बी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए सी डिवाइड बाय आर के, और यहाँ सी था 30 और आर है मेरा 1/4, तो मैं इसे सॉल्व करके लिख सकता हूँ 30 मल्टीप्लाई बाय 4/1, तो 3 × 4 = 12, 120, यानी कि जो मेरा बी है वो ज़्यादा आना चाहिए 120 से ज़्यादा। तो आंसर नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 110 कह रहा है कि अज्यूम दैट इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक फिटनेस एंड बेनिफिट ऑफ परफॉर्मिंग एन अल्टुस्टिक एक्ट टू अ रिलेटिव इज 500 यूनिट्स एंड कॉस्ट इन्वॉल्व्स 150 यूनिट्स। तो जो मेरा बेनिफिट है ये है 500 और जो मेरी कॉस्ट है ये है 150, तो आर शुड बी ग्रेटर देन सी अपॉन बी, मतलब 150 डिवाइड बाय 500 ये आ जाएगा मेरा 1/3 के आसपास नियरली, तो जो R है उसकी वैल्यू होनी चाहिए 1/3 से ज़्यादा या फिर कह लो 33% से ज़्यादा। तो अब रिलेटिव कौन होना चाहिए मेरा 33% से ज़्यादा के रिलेटिव? मेरे पास केवल ब्रदर्स में या फादर टू सन, फादर टू डॉटर या बिटवीन द सिबलिंग्स होती है, तो केवल ये ब्रदर वाला आंसर ठीक बैठ रहा है इसके अंदर, क्योंकि वही है जो 50% रिलेटेड है। 33% से ज़्यादा होनी चाहिए वैल्यू हमेशा। इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने के बाद आई होप शायद हैमिल्टन रूल और अल्ट्रुइज्म थोड़ा आसान हो गया होगा आपके लिए, और ये एग्जाम में आने वाले सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। तो कुछ सवालों के जवाब मिले, समझ में आया कि उस भैंस ने अपने बच्चे को बचाने के लिए शेरों से टक्कर क्यों ली, या फिर मधुमक्खी ने अपने फायदे को सेक्रीफाइस क्यों किया, रिलेशंस निभाना क्या होता है? खैर, इतना सब पढ़ लिख करके ज्ञान तो बढ़ेगा, और जब ज्ञान पड़ेगा तो भाई एग्जाम में काम भी आएगा। हाँ, एक बात ध्यान रखना, टाइम भागा जा रहा है, कम टाइम है, बहुत कम टाइम। अब भी अगर जागे तो सवेरा है, बैठ करके ये सोच रहने से कि जिंदगी अच्छी हो जाएगी बिना मेहनत करे, कहीं ऐसा ना हो कि चेहरे के भाव बदल जाए और शौक में आ जाओ। कितनी सारी कहावतें उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है जो लोग ये सोचते हो कि अब तो बहुत कम टाइम रह गया, अब क्या करें। भाई, बेटर लेट देन नेवर, बचे हुए टाइम में भी बहुत कुछ कर सकते हो, हैमिल्टन रूल के अकॉर्डिंग अपने फर्ज पूरे कर सकते हो। क्या तुम्हारा फर्ज तुम्हारे परिवार के लिए नहीं है? क्या उस रिलेशन को केवल उन्हें निभाना है, तुम्हें बदले में कुछ नहीं करना? क्या तुम्हारे रिजल्ट केवल तुम्हारे लिए है? भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस उन पर भी असर डालेगी, और असर तो डालेगी मेरे देश पर भी। हमारी ड्यूटी देश के लिए भी है, आफ्टर ऑल इंडियन कोई जमीन का टुकड़ा नहीं है, इंडियंस इंडिया, भारत हिंदुस्तान, यार ये हम तुम सबको मिलाकर के बना हुआ है। हम जो करते हैं वही मेरे देश के नाम पर आता है, फर्ज तो हमें यहाँ भी निभाना है, हैमिल्टन रूल को यहाँ भी फॉलो करना है, और कुछ तो देश के लिए करना है। आई फ्लाई नेक्स्ट जनरेशन प्लेटफॉर्म है जहाँ हम पढ़ाई के मतलब बदल रहे हैं, हम पढ़ाई की इन्फॉर्मेशन को किताबों से निकाल करके लाइफ में डाल रहे हैं, ताकि चीजों को समझ सकें, कोलेट कर सकें और एग्जाम में उसे यूज कर सकें। आई फ्लाई की क्लासेस बड़ी इंटरेस्टिंग है, इन क्लासेस को आप अपने घर से कर सकते हो, क्लासेस ऑनलाइन होती हैं, व्हाट्सएप का सपोर्ट मिलता है, लेक्चर बड़े हाई क्वालिटी के आते हैं, और भाई पढ़ने के लिए कोई टाइम निकालना नहीं होता। तुम कॉलेज में जाते हो सुबह 9 से लेकर 5 तक, नोबडी केयर्स, रात को पढ़ लो। तुम्हारे अंदर अगर इच्छा है तो भाई आई फ्लाई का साथ तुम्हारे साथ है, और तुम्हारे लाइफ में कैटलिस्ट की तरह वो काम जो तुम कई घंटे में करते उसे मिनटों में करवा देता है। टाइम तुम्हारा, कन्वीनियंस तुम्हारी, आई फ्लाई के साथ आप काफी एग्जाम की तैयारी कर सकते हो, जैसे कि नेट, गेट या फिर ARS, ICMI, DBT। इसके अलावा जो लोग BSc कर रहे होते हैं, MSc एंट्रेंस के लिए JNU SAB या फिर IIT का जैम, उनके लिए भी तैयारी कर सकते हैं। आई फ्लाई की क्लासेस ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आया है
तो लाइक करना मत भूलना। और भाई हैमिल्टन रूल को फॉलो करो, अपने दोस्तों के काम आओ, वीडियो को शेयर करो, थोड़ा ज्ञान उनका भी बढ़ाओ। शेयर करो इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या जहां कहीं भी तुम्हारा मन करता है। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लो बड़ी सी घंटी के साथ। और हमेशा याद रखो, आई फ्लाई का साथ तो फिर घबराने की बात। चलो फिर मजे करो, बाय बाय।